हाय फ्रेंड्स, राजेश हियर फ्रॉम technoverse.net। इसमें कोई डाउट नहीं है कि Xiaomi का जो Redmi Note 5 Pro है, इस टाइम तक का सबसे बेस्ट डिवाइस है, जिसका डेवलपमेंट जो है सबसे ज्यादा हुआ है और काफी सारे रोम्स जो है Redmi Note 5 Pro के यूजर्स को मिले हैं। तो फाइनली जो है आज आप देख ही पा रहे हैं, हम अपने फोन के अंदर जो है Android 11 को यूज कर रहे हैं, थैंक्स टू द डेवलपर स्पीडो, जिन्होंने इस रोम को जो है इस टाइम पे Redmi Note 5 Pro के लिए क्रिएट किया है। मोस्टली सभी फीचर्स काम कर रहे हैं, बट छोटे मोटे बग अभी आपको इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो है Android 11 जो है बीटा स्टेज पे है और आपको कहीं ना कहीं इसके अंदर छोटे मोटे बग जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी रोम के बारे में बात करूंगा। अगर आप भी Redmi Note 5 Pro यूजर हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना टाइम हो गया है Redmi Note 5 Pro को यूज कर, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका अबाउट फोन पेज दिखा देता हूँ, कौन सा वर्जन है ये। तो ये देखिए एंड्रॉइड वर्जन 11 के ऊपर ये रन कर रहा है। सिक्योरिटी पैच जो आपको डेवलपर ने इसके अंदर दिया है वो है जुलाई 5 2020 का, आपको इसके अंदर देखने। तो इस टाइम पे हम इसी रोम को अपने फोन के अंदर यूज कर रहे हैं। तो मैं कुछ आपको इसके फीचर्स जो है बताने वाला हूं कि क्या क्या इसके फीचर्स हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, काफी लोग उसने कैमरा कौन सा मिला है इसके अंदर, तो कैमरा मैं आपको दिखा देता हूँ। कैमरा जो आपको इसके अंदर मिला है वो MIUI का मिला है, जो कि परफेक्टली काम कर रहा है, उसमें से कोई इशू नहीं है। चाहे शॉर्ट वीडियो हो चाहे वीडियो मोड हो, MIUI का कैमरा जो है परफेक्टली इसके अंदर काम कर रहा है। कुछ चीज़ें जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ वो इसके अंदर है कि क्विक सेटिंग्स पैनल में आप जाते हैं तो आपको काफ़ी सारे नए ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आप देख ही पा रहे होंगे इस टाइम पे एंड्रॉइड 11 को वर्जन पे है कि कुछ इस तरीके का आपको क्विक सेटिंग्स पैनल मिलता है। आप इसके आइकन शेप्स और आइकन कलर्स को चेंज कर पाते हैं। तो ये देखिए आपको इसके अंदर जो है एयरप्लेन मोड मिलता है, नाइट लाइट मिलता है, स्क्रीन रिकॉर्ड का भी ऑप्शन मिलता है। जैसे आप स्क्रीन रिकॉर्ड पर टैप करते हैं आपसे ये पूछता है कि आपको जो रिकॉर्ड ऑडियो करना है माइक्रोफोन करना है कि डिवाइस ऑडियो करना है या बोथ करना है। तो यानी कि ये एक अच्छा फीचर है इस 11 रोम के अंदर कि आप इसके अंदर डिवाइस की ऑडियो और माइक्रोफोन दोनों जो है एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं, शो टच ऑन स्क्रीन शो करने हैं कि नहीं। तो ये कुछ ऑप्शन आपको इसके स्क्रीन रिकॉर्डिंग में यहाँ पे देखने को मिले हैं। और भी काफी सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे स्क्रीन कास्ट वगैरह मिल जाता है आपको, बट इस टाइम पे हॉटस्पॉट जो है इस रोम पे काम नहीं कर रहा है, वो एक्टिवेट नहीं हो रहा है। ये देखिए मैं हॉटस्पॉट पे इनेबल करता हूँ, वो एक्टिवेट नहीं होता है। ये एक बग आपको देखने को मिला है। डार्क थीम मिल जाती है आपको उसके अंदर, बेड टाइम मोड मिलता है, फोकस मोड मिलता है, लाइव कैप्शन मिलता है, आपको स्टोरेज मिलता है, और साथ ही साथ आप फोन किस तरीके से यूज करना चाहते हैं वो भी ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे बैलेंस है इस टाइम पे, आपको परफॉर्मेंस बेस्ड चाहिए तो परफॉर्मेंस बेस्ड कर दीजिए, अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए तो आप इसको गेमिंग के लिए भी सेटअप कर सकते हैं। काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे गेमिंग हो गया, एक्सट्रीम बैटरी, बैलेंस, परफॉर्मेंस, बैटरी, ये कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे इसके अंदर मिल जाते हैं। स्टोरेज पे आप जाएंगे तो स्टोरेज में आपको जो कुछ तरीका आपको उसके अंदर क्लीनर वगैरह मिल जाता है, जिसको आप पे इजिली एक्सेस कर पाते। तो ये तो कुछ नए फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को। रीसेंट टैब्स के अंदर आपको काफी सारे नए फीचर्स देखने को मिले हैं इसके अंदर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं गूगल प्ले स्टोर इस टाइम पे परफेक्टली काम कर रहा है और सभी एप्लीकेशंस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर रीसेंट टैब्स की बात करें तो ये देखिए मैं रीसेंट टैब्स आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरह का लुक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब आपको यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, स्क्रीनशॉट एंड सिलेक्ट। स्क्रीनशॉट पर टैप करते हैं, ये जिस भी पेज के ऊपर आप होते हैं उसका स्क्रीनशॉट जो है कैप्चर कर लेता है, और आप इसको यहाँ से डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हैं, किस किस मीडिया के ऊपर आप शेयर करना चाहते हैं, जैसे फोटोज, ईमेल, फाइल मैनेजर, कुछ तरह का आपको प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिल जाए। ये एक नया ऑप्शन आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल। और साथ ही साथ पावर के बटन के अंदर भी कुछ नए चेंजेस किए हैं, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप पावर के बटन पर होल्ड करते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरीके का आपको ऑप्शन जो है ऊपर देखने को मिलते हैं। देखिए फर्स्ट मिलता है आपको इमरजेंसी, सेकंड पावर ऑफ, और जो थर्ड है वो रीस्टार्ट। तो ये भी एक यूआई के अंदर यहाँ पे आपको इसके अंदर आपको चेंज देखने को मिलता है। बाकी आपको लेफ्ट साइड पे आपको गूगल की फीड देखने को मिल जाती है, जेस्चर जो है आपको इसके अंदर लेटेस्ट ही देखने को मिले हैं, जो कि परफेक्टली और काफी स्मूथली जो है इस टाइम पे काम कर रहे हैं। लेफ्ट एंड राइट से जो है आप गूगल असिस्टेंट को इसके अंदर लॉन्च भी कर सकते हैं। तो ये फीचर्स भी आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अगर डायलर पैड की बात की जाए तो मैं डायलर पैड आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे, और कुछ इस तरीके की कॉलिंग स्क्रीन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसको आप मिनिमाइज करके भी यहाँ पे यूज करते हैं। टैप करते ही आप बैक टू कॉल, म्यूट, स्पीकर या एंड कॉल भी यहाँ से आप इजिली एक्सेस कर पाते हैं। तो ये कुछ फीचर्स आपको इस रूम में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर सेटिंग्स पैनल की बात करें तो सेटिंग्स पैनल आपको कुछ इस तरीके का आपको पूरा एंड्रॉइड 11 को ही देखने को मिलता है। सबसे ऊपर आपको कुछ सजेशंस मिलती हैं कि जैसे आप वाईफाई कनेक्टेड है आपका, ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं, ये कुछ ऑप्शन मिलते हैं। एडिशनल फीचर्स में जो है मोस्टली कुछ फीचर मिल जाते हैं जो कि फुली वर्किंग नहीं है इस टाइम के अंदर, आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एप्स एंड नोटिफिकेशन में अब आपको कन्वर्सेशन का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, क्योंकि नोटिफिकेशन में अब आपकी जो कन्वर्सेशन है वो भी आपको वहाँ पे शो होंगी। ये भी एक नया फीचर इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर बैटरी के अंदर जाएं तो बैटरी का पैनल आपको कुछ इस तरीके
देखने को मिलता है, जिसमें आपको बैटरी सेव, बैटरी, बैटरी परसेंटेज, ये कुछ ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। डिस्प्ले के अंदर जाएं तो डिस्प्ले के अंदर वही आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे स्टाइल, वॉलपेपर्स हो गए, वो सब चीजें आपको यहाँ पे इजीली आप जाके सेटअप कर सकते हैं। होम स्क्रीन के ऊपर भी जाके आप स्टाइल एंड वॉलपेपर्स को यूज करते हैं। इस टाइम पे इसके अंदर स्टाइल एंड वॉलपेपर्स का ही ऑप्शन है। क्लॉक के ऑप्शन को इस टाइम पे यहाँ से रिमूव कर दें। स्टाइल में आप जाएंगे तो आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, काफी सारे आपको आइकन पैक मिल जाते हैं, फॉन्ट्स मिल जाते हैं, कौन सा आप यूज करना चाहते हैं उनको आप इजीली यहाँ से एक्सेस भी कर पाते हैं। बाकी स्टोरेज में जाएं तो स्टोरेज का लुक आपको कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। आप यहाँ से मैनेज स्टोरेज कर सकते हैं। आप प्राइवेसी में जाते हैं तो आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे भी चेकआउट आप कर सकते हैं, इन सबको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। सिक्योरिटी में इस टाइम पे फिंगरप्रिंट इसमें काम कर रहा है। फेस अनलॉक आपको इसके अंदर यहाँ पे इस टाइम पे देखने को नहीं मिला है। बाकी एक्सेसिबिलिटी में आपको पता ही है क्या क्या चीजें होती हैं, उन सब चीजों को आप यहाँ पे इजीली जाके एक्सेस भी कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। डिजिटल वेलबींग मिल जाता है, गूगल मिल जाता है, शाओमी पार्ट्स आपको मिल जाता है इसके अंदर। इसमें आप हैप्टिक फीडबैक की स्ट्रेंथ को कम ज्यादा कर सकते हैं, डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन कर सकते हैं, थर्मल सेटिंग्स जो कि मैंने बताया था, आपको बैलेंस चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, बैटरी, गेमिंग या एक्सट्रीम बैटरी उसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। मी साउंड इनहेंसर मिल जाता है आपको। ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे शाओमी पार्ट्स की इसके अंदर देखने को मिल जाती है। सिस्टम में जाएं तो सिस्टम में वही आपको जेस्टर्स मिल जाते हैं कि आपने जेस्टर्स कौन से यूज करने हैं उनको आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको इसकी में देखने मिलती है। एडवांस में जाएं तो वही रीसेट ऑप्शन, मल्टीपल यूजर्स, डेवलपर ऑप्शंस या सिस्टम अपडेट, ये चीजें आपको देखने को मिल जाती है। बाकी लास्ट में आपको टिप्स एंड सपोर्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसको आप यहाँ से इजिली एक्सेस कर पाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, इस टाइम पे जो है एंड्रॉइड 11 जो है बीटा स्टेज पे है, तो कुछ फीचर्स जो है काम कर रहे हैं, कुछ फीचर्स काम नहीं कर रहे। पिक्चर टू पिक्चर मोड जो है इस टाइम पे हमारे फोन पे काम नहीं कर रहा है। बाकी मोस्टली सभी फीचर्स काम कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया है। हॉटस्पॉट जो है इसमें काम नहीं कर रहा है इस टाइम पे। अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो टेस्ट कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिसको आप किसी कस्टम रिकवरी के थ्रू अपने फोन के अंदर फ्लैश कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कुछ लिमिटेड ही एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जैसे कैलकुलेटर, कैलेंडर, कैमरा, क्रोम, क्लॉक, कॉन्टैक्ट, फाइल मैनेजर, गूगल के कुछ ऐप्स मिल जाते हैं, प्ले स्टोर, पबजी वगैरह। पबजी जो है आप इसके अंदर HD मोड पे खेल पाते हैं। मैंने पबजी को इसमें एक बार रन किया था, आप HD मोड पे इसके अंदर पबजी को खेल पा रहे हैं इस टाइम। तो कुछ इस तरह का लुक जो है आपको इस रोम का यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जस्ट जो है काफी स्मूथ है, पहले से बेटर है और काफी परफेक्टली जो है इस टाइम पे काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो एंड्रॉइड 11 का है वो पसंद आया होगा। तो इससे ये जरूर कन्फर्म हो गया है कि आगे चल के आपको जो रेडमी नोट 5 प्रो है उसको एंड्रॉइड 11 के रोम्स भी देखने को। तो अगर आप Redmi Note 5 Pro यूजर हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।